सुपौलों में चुनाव हो रहा है और वहाँ से जो खबर है उस हिसाब से NDA के उम्मीदवार की जीत वहाँ भारी मतों के अंतर से होगी। हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों का वहाँ समर्थन दिखता है। अब उससे नहीं फर्क पड़ता है ना, हमारे लोग वहाँ है, संगठन के जो लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं हर जगह। जो चुनाव है जो जनरल इलेक्शन तो है नहीं, इसलिए सब जगह गए नहीं गए सब मतलब। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। रुपौली उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं बिहार में हो रही है, लेकिन सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर था। आखिर NDA में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा को प्रचार में क्यों नहीं भेजा गया? या फिर उपेंद्र कुशवाहा रुपौली में जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के लिए चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए? चिराग पासवान, जीताराम मांझी, तमाम NDA के नेता रुपौली में गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे। और चर्चाएं यही हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा NDA से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन तमाम तरह के कयासों पर, चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रुपौली में NDA प्रत्याशी कलाधर मंडल की भारी जीत हो रही है। बीमा भारती दूर दूर तक मैदान में नहीं है। इसके अलावा चिराग पासवान और जीताराम मांझी के चुनाव प्रचार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। रुपौली में चुनाव हो रहा है और वहाँ से जो खबर है उस हिसाब से NDA के उम्मीदवार की जीत वहाँ भारी मतों के अंतर से होगी। हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों का वहाँ समर्थन दिखता है। आपको नहीं बुलाया गया प्रचार के लिए NDA के दौरान? आप गए भी नहीं एक बार भी? अब उससे नहीं फर्क पड़ता है ना, हमारे लोग वहाँ है, संगठन के जो लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं हर जगह। जो चुनाव है जो जनरल इलेक्शन तो है नहीं, इसलिए सब जगह गए नहीं गए सब मतलब। तो अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि रुपौली में NDA प्रत्याशी कलाधर मंडल की जीत हो गई है, जनता ने उनको विधायक चुन लिया है। बीमा भारती जो है लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी हार का सामना करेंगे, उन्हें जनता इस बार भी नकार देगी। पूरी लहर जो है NDA के पक्ष में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी तरीके की कोई नाराजगी NDA में नहीं है, चुनाव प्रचार करने के लिए सभी हमारे पार्टी के लोग यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग जुटे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा प्रचार में नहीं गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुद समझ लीजिए जो चर्चाएं हो रही है, NDA के तमाम नेता जीताराम मांझी, चिराग पासवान, भाजपा के कई नेता, खुद नीतीश कुमार ने वहां चुनावी प्रचार किया था, लेकिन इन तमाम प्रचारों में उपेंद्र कुशवाहा दूर दूर तक नजर नहीं आए थे। और वही जो सवाल है लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहा था, लेकिन क्या मतदान के बाद जदयू यानी NDA प्रत्याशी की जीत हो जाएगी या फिर बीमा भारती मैदान मारने में सफल रहेंगे? तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।